बोलो आप योर जर्नी T20। मेरे को अभी किसी ने बताया भाई यू स्टार्टेड इन 2007 यू वन द वर्ल्ड कप एंड यू लीविंग द गेम विनिंग द वर्ल्ड कप सो दैट्स अ टेलर मेड सिचुएशन फॉर मी बेस्ट मतलब मैंने स्टार्ट किया था जब पहली बार इंडियन टीम में आया था 2007 में पहला मेरा चैलेंज था ऑब्वियसली मैं आयरलैंड गया था 50 ओवर के लिए बट उसके बाद तुरंत ही हम साउथ अफ्रीका गए थे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वहां पे जीते उसके बाद अभी ये तो फुल सर्किल प्रॉपर सर्किल सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। तो वो 2000 फाइनल के लास्ट ओवर में आपने एक छक्का मारे थे दैट बिकेम वेरी वाइटल वो अभी भी लाइक याद है याद है। देखो अभी हम तो उस टाइम पे इतने छोटे थे 20 साल के थे तो जो जैसे मैं अभी हमारे मेरे प्लेयर्स को यही बोलता हूँ कि अपना अपना जो रोल है वो करने की कोशिश करो तो मेरा उस टाइम पे रोल था कि मैं तभी 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करता था तो उस टाइम पे फिनिश अच्छा करना बहुत जरूरी था उस टाइम पे हमारे लिए उस टाइम पे 140-150 एक अच्छा स्कोर होता था तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि कैसे भी करके 150 के आसपास पहुंच जाए एंड इवेंचुअली आई थिंक वी एंडेड अप समवेयर अराउंड दैट 150 के आसपास तो इट वाज अ अगेन उस टाइम पे लर्निंग स्टेज था मेरा सीख रहा था चीजें एंड नाउ ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि इट्स कम टू अ फुल सर्किल आई एम अ लाइक आई अंडरस्टैंड गेम मच बेटर नाउ having played the game for so many years so it's been brilliant Rohit test captain one day captain aur t20 captain ye zara mushkil hai bahut kyunki har ball pe badalta jata hai bilkul dekho I think it's a big challenge to play all three formats and let alone captaining it I think hamare liye bhi players ke liye bhi bahut difficult hota hai quickly adapt karna test match jab aap khel rahe ho आपको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे अपने गेम अपने बैट्समैनशिप पे काम करना पड़ता है ध्यान देना पड़ता है T20 में जब आप आते हो आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही क्योंकि मैं ओपन करता हूँ तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में और ऐसा फॉर्मेट डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मजा भी उतना ही आता है क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है फील्ड सेट है बोलर्स आते काम करते एंड देन यू मूव वन और टू फील्डर्स हियर एंड देयर एंड यू प्लान टू अ सर्टेन बैटर किस बैटर को ऐसे आउट करना है बट T20 में गेम फास्ट चलता है आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं बोलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बोलर को लाना पड़ता है तो मजेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट और मैंने सर्टनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज का काफी इंजॉय किया है कैप्टनसी करना बैटिंग करना तो इट्स बीन ग्रेट रोहित इट्स बीन अ लॉट ऑफ रॉ इमोशंस टुडे खेलना बड़े एक अलग अनुभव है आपने पहले भी कहा कि यहाँ पर एक अलग मजा आता है यहाँ के लोग यहाँ का कल्चर उस लिहाज से वेस्ट इंडीज ने आपको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया परमानेंट लवर है बिल्कुल यहाँ पे देखो क्रिकेट एक्चुअली वेस्ट इंडीज में क्रिकेट काफी माना जाता है यहाँ पे इतना हिस्ट्री है क्रिकेट का इतने बड़े बड़े प्लेयर्स निकले इस कंट्री से तो यहाँ पे हमेशा जब भी हम आते हैं लॉजिस्टिक्स के अलावा बड़ा चैलेंज हो जाता है बट दैट इज फाइन यू हैव टू एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग अराउंड इट और बैटिंग भी करने के लिए यहाँ पे बहुत मजा आता है यहाँ पे विकेट्स अच्छे होते हैं चैलेंजिंग होते हैं कभी कभी तो यहाँ पे जब भी मैं आया हूँ मैंने अपना क्रिकेट बहुत एंजॉय किया है। हाँ रोहित अगर आप ODI वर्ल्ड कप जीत जाते हैं I don't make decisions like this. मतलब whenever you feel inside what is right, I try and do that. That has been my nature also when I captain the team. What I feel inside is what I want to do. तो इतना आगे का या पीछे का मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता या नहीं खेलता ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूंगा मैं बट सिचुएशन ऐसा आ गया आई थॉट इट इज द परफेक्ट सिचुएशन फॉर मी एंड नथिंग बेटर देन विनिंग द कप एंड सेइंग गुडबाय नहीं देखो यार धोनी भाई तो ऑब्वियसली इतने शानदार प्लेयर रहे हमारे लिए देश के लिए इतना कुछ किया उन्होंने तो
अच्छा लगा कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है इंडिया की विक्ट्री को. आई एम श्योर सारे इंडियन सारे देशवासी जितने भी हैं यही चाहते थे कि हम कब जीते कैसे भी करके. तो ये हो गया है. मैं